नमस्कार, मैं हूं सैफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीज़न। अभी हम बिशनपुर अर्रा पंचायत में हैं और यहां के जो प्रत्याशी हैं उन तमाम प्रत्याशियों से हम बातचीत किए हैं। उसके बावजूद एक प्रत्याशी हैं अशोक सहनी जी, वो हमारे साथ हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो पिछली बार ये पंचायत समिति में खड़े हुए थे, इस बार मुखिया में खड़े हुए हैं, इनकी रणनीति कैसे है चुनाव जीतने की इस बार की। इवन हम ये भी पता करेंगे कि इनका 5 साल में इन्होंने क्या क्या लक्ष्य बनाया है, क्या क्या लक्ष्य पर कार्य करेंगे, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। क्या क्या लक्ष्य बनाया है आपने 5 साल के लिए? 5 साल के लिए लक्ष्य है शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति मेरा रहेगा कि अच्छा से कार्य हो उसके प्रति है, और जल निकासी का समस्या मेरे यहाँ है कि हर जगह हर गली नली में आपको जल जमाव हो जाता है, उस पर पूर्व मुखिया कोई कार्य नहीं किया, और हर मोहल्ला को जो सड़क से जोड़ना है वो पक्की सड़क बनवाना है। जो भी आवाज़ आज गरीब लोग को, जो भी बचे लोग हैं, वंचित लोग हैं आवास योजना से, उसको हमको मुहैया कराना है। जितने भी वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, लक्ष्मीबाई पेंशन है, उस पर मेरा लक्ष्य है काम करना। आप इनके निवेदक हुए हैं, क्या हुए हैं आप? जी, इनका प्रस्तावक हूं मैं। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। समाज में किस तरह से कार्य किया गया है, आप लोग समाज में कोई कार्य वगैरह किए हैं? देखिए, मैं खास कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं इनका प्रस्तावक बना हूँ और जनता ने ये एक बदलाव का एक हवा दिया है, तो मैं उसके हिसाब से मैं इनका प्रस्तावक बना और मैं कोशिश करूँगा कि वो अंतिम घरों तक जो समाज के वंचित और शोषित लोग हैं उनके विकास की जो धारा उन घरों तक पहुँचे, हर लोग तक पहुँचे, मेरी एक ये कोशिश होगी। और जो मुखिया प्रत्याशी अगर मुखिया बन जाते हैं तो मेरा ये अंतिम ये वादा जनता के साथ है कि मैं उनके हर घर तक उन विकास की धारा को पहुँचाऊँगा। आप लोग का कैसा समर्थन है, सबको वोट देना है या और भी है? डरिएगा नहीं, सब ना ना समर्थन है हम लोग, इसमें कोई दुमत नहीं है, इन्हीं को समर्थन देना। हाँ, ये बताइए आप जो मतलब अभी वर्तमान में खड़े हुए हैं, इस वक्त खड़े हुए, जो आपने कुछ कोई कार्य किया है समाज के लिए अब तक? हाँ, क्या बहुत किए हैं, सड़क का भी कार्य किए हैं, पुल पुलिया के भी कार्य किए हैं, और 500 वृद्धा पेंशन का काम किए हैं हम अभी। 500 वृद्धा पेंशन? हाँ, अच्छा, पूरी पंचायत में। वर्तमान में हमारी पत्नी 2 साल के लिए उप पंचायत समिति रही है, उसमें हम काफ़ी कार्य किए हैं और बराबर समाज के प्रति दुख में सुख में बराबर भागदारी रहने का कार्य किया है और आगे भी रहेंगे हम। अभी हम बिशनपुर अर्रा पंचायत में हैं और तमाम जगहों की खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।